अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का लोकार्पण और रामलला के स्वागत को लेकर देश भर में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में हल्द्वानी में भी जश्न का माहौल है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत ने राम मंदिर को लेकर कहा कि सदियों के बाद आज वो समय आ गया है जब रामलला पुनः अपनी राजगद्दी पर विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि 600 साल की तपस्या के बाद भगवान श्री राम को अपना मंदिर मिलने जा रहा है, पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कार्य सेवकों के साथ वह भी 23 दिन तक जेल में रहे हैं, लिहाजा उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश भव्य रूप से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अपने अपने शहर अपने अपने घरों में उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम ने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है और कहा है कि आप राम मंदिर बनाओगे, और जिसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है जो पिछले 600 वर्षों के इतिहास में नहीं हो सका। ऐसा लगता है भगवान राम ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो आज ये पूरी जो देश की उत्साह है वो देखते ही बनता है। हर घर में झंडा लग रहा है, दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर को सजाया जा रहा, हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो रहा जिसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और राम लला के लिए जो संघर्ष इस देश के लोगों ने किया है वो तो सदियों से किया है, लेकिन इधर जो 90 के दशक से इधर को किया है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग कार्यकर्ता जेल गए हैं। मैं भी स्वयं 23 दिन जेल में रहा हूँ और कार सेवक के रूप में काम किया है, फिर अयोध्या गए हैं। आज हमको हृदय से एक खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए हमने संघर्ष किया वो काम अब फलीभूत होते दिख रहा है।